जितनी ज्यादा उसके अंदर पानी होल्ड करने की कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा प्राइस होगा। ब्रांड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मोस्टली ये प्रोडक्ट चाइनीज होते हैं। अगर आपको बिल्कुल अच्छे ब्रांडेड चाहिए तो काफी महंगे आएंगे। ये मुझे पड़ा है 800 रुपए का, 799 रुपीज का। और बताना चाहूंगा कि अगर आपको खरीदना हो यही मॉडल तो वीडियो के नीचे लिंक है, आप वहां से क्लिक करके खरीद सकते हैं, थोड़ा सा हमें सपोर्ट हो जाता है अमेजोन से। और बताना चाहूंगा कि ह्यूमिडिफायर का क्या फायदा होता है, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। शुरू करते हैं। ह्यूमिडिफायर का फायदा तब होता है, यूजली काम तब आता है, सर्दियों में काम आता है क्योंकि सर्दियों में मौसम जो होता है काफी ड्राई होता है, सूखा मौसम होता है, तो आपके घर के अंदर स्पेशली या आपके रूम के अंदर काफी ड्राइनेस फील होती है। तभी आपकी अगर आप देखेंगे तो सर्दियों में आपको वैसलीन या क्रीम की जरूरत पड़ती है क्योंकि मौसम ड्राई होता है। तो उन चीजों को रिकवर करने के लिए ये ह्यूमिडिफायर बनाया गया है कि थोड़ा सा आप उस चीजों से बच सकें। और स्पेशली अगर आप घर में हीटर यूज करते हैं, वो लोहे की रॉड वाले जो होते हैं जो गर्म होते हैं, कॉयल वाले, और उनसे भी ज्यादा अगर आप हार्मफुल देखें तो फैन वाले हीटर होते हैं जिन जो गर्म हवा फेंकते हैं। ब्रांड कोई बेटर नहीं करता, अगर कोई हीटर गर्म हवा फेंक रहेगा तो आपका जो है रूम गर्म तो हो जाएगा पर वो रूम की जो है खुश्की जो है बिल्कुल ड्राई कर देगा। तभी आप देखेंगे तो आपके होंठ सूख जाएंगे, हीटर चला रखा हो तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी, तो वही एक कारण होता है। तो उन्हीं चीजों से बचने के लिए ये ह्यूमिडिफायर का इजाद हुआ है या ये चीजें यूज हुई होती हैं और टाइम से यूज हो रही है बहुत सालों से। आइए इसको खोल के देखते हैं, इसको चला के देखते हैं कैसा है। दोस्तों ये है हमारे ह्यूमिडिफायर का बॉक्स और जैसा कि आप देख सकें यहाँ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, इसकी वोल्टेज क्या है, कितनी कैपेसिटी है। और ब्रांड जैसे कि मैंने बोला था कि ब्रांड कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे कुछ और ब्रांड लिखा होगा और अमेजोन से आप खरीदेंगे तो कोई और ब्रांड लिखा होगा तो इतना मैटर नहीं करता। आइए इसको खोलते हैं। तो खोलते ही ये हमारा ह्यूमिडिफायर है और अगर हम साथ में देखें तो इसके साथ हमें मिलेगा आई थिंक केबल, चार्जिंग केबल वगैरह होगी। तो देखिए ये हमारी चार्जिंग केबल है, कोई सी भी माइक्रो यूएसबी केबल है, अगर आपकी बाई चांस खो जाए या खराब हो जाए तो आप इस केबल को भी यूज कर सकते हैं, या आपके घर में पुरानी कोई केबल पड़ी है उसको भी यूज कर सकते हैं। पर इसके साथ आपको चार्जर नहीं मिलेगा, तो आपके घर में कोई चार्जर पड़ा होगा तभी आप इसको चला सकते हैं यूएसबी से चलने वाला। और देखते हैं क्या क्या मिलता है। हमें इसके साथ एक फिल्टर मिलता है एडिशनल और ये कुछ वारंटी कार्ड है और इसको आपको कैसे यूज करना है वो लिखा हुआ है। तो सर की बताना चाहूंगा इसके अंदर पानी जब आपका खत्म हो जाए तो आप इसको जबरदस्ती मत चलाइएगा क्योंकि ये खराब हो जाएगी। और भी इसके अंदर बहुत चीजें लिखी हुई हैं कि इसके अंदर आप एसेंशियल ऑयल नहीं डालें, क्योंकि मैंने अमेजोन पे कमेंट्स के अंदर पढ़ा है एसेंशियल ऑयल लोगों ने डाला है और वो जो है इसके अंदर फंस जाता है और वो स्मेल काफी देर तक रहती है। तो इसके अंदर कोई लिखा है एरोमा थेरेपी सोल्यूबल वाला होता है कोई, मुझे नहीं मालूम कौन सा होता है, मैंने कभी यूज नहीं करा, तो वही वाला यूज करें क्योंकि वो पानी के अंदर घुल जाता है तो आपका जो है ये डैमेज नहीं होगा। आइए इसको खोल के देखते हैं। तो देखिए छोटा सा यहाँ बना हुआ है, इसकी हमारी पावर के लिए पोर्ट है, इसको हल्का सा घुमाएंगे तो देखिए ये खुल जाएगा। तो खोलते यहाँ देखेंगे तो पानी डालने की जगह है, 150 ml तक इसमें पानी आप डाल सकते हैं। और इसका रन टाइम अगर आप देखें तो 4 घंटे लिखा हुआ है, 1 घंटे में 30 से 35 ml यूज होता है ये। और ये देखिए फिल्टर है और इसके अंदर एक चीज बताना चाहूंगा, ये चीज स्प्रिंग जो अगर आप खोलेंगे तो ये कभी कभी लोगों की खो जाती है तो इसको आप ध्यान रखिए, इसको आप थोड़ा सा जान ला के आपको खींचना पड़ेगा तो ये देखिए ऐसा खुल जाएगा। और जब आपकी ये बिल्कुल खराब हो जाए तो आप इसको इजिली रिप्लेस आप कर सकते हैं। और वापस कह रहा हूँ ये देखिए स्प्रिंग है इसके अंदर, तो आप ध्यान से लगाइए और इसको ऐसे करके थोड़ा सा आपको दबाना पड़ेगा, लॉक की आवाज आ जाएगी तो ये लॉक हो गया। दोस्तों आइए इसके अंदर पानी डालते हैं और ये ऑलमोस्ट 100 ml मैंने पानी डाला है। आप मेक श्योर कि आप ये जो इसकी कॉयल है हमेशा पानी के अंदर डूबी रहे। आइए इसको बंद करते हैं, तो यहाँ रखेंगे और बंद आपको तब पता चल जाएगा जब आपके जो दोनों कोने जो हैं एकदम से इजीली मिल जाएंगे। देखिए तो एकदम पूरा हो गया ये, आइए इसको पावर से कनेक्ट करते हैं। तो ये मैंने पावर से कनेक्ट कर दिया है और इसको ऑन करते हैं, इसको आपको बस दो तीन सेकंड इसको ऑन करना पड़ेगा और ऑन करते ही चल पड़ेगा ये। तो देखिए अलग बढ़िया सी लाइट आ गई है इसके अंदर, अलग अलग कलर की आपकी लाइट जो है इसके अंदर चेंज होती रहेंगी। अब इसको ऑन करते हैं तो देखिए इसके ऊपर से स्मोक आनी शुरू हो गई है, एकदम
तो थोड़ी थोड़ी देर में चलता रहेगा और अपना जो है कलर जो है आपका बढ़िया से चेंज होता रहेगा। कैमरे में शायद थोड़ी लाइट जो है फ्लैश कर रही होगी क्योंकि एलईडी लाइट है वो कैमरे में फ्लैश करती है। तो देखिए बढ़िया से चल रहा है हमारा और जितनी देर आप चलाना चलाएं आप आसानी से चला सकते हैं। मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे के बीच में आपका जो है पानी जो है इसका सारा खत्म हो जाएगा और बिल्कुल बढ़िया एकदम सॉफ्ट आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, आपको महसूस भी नहीं होगा अगर आपके घर के किसी कोने में लगा रहेगा तो। दोस्तों ये देखिए एक बार अंधेरे में मैंने आपको करके दिखाया है कि ताकि आपको लाइट का पता चल जाए। अलग अलग जो है थोड़ी थोड़ी देर में लाइट का जो है कलर जो है वो चेंज होता रहता है, ग्रीन ब्लू पिंक रेड ऐसे कुछ कलर होते रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छी क्वालिटी का लग रहा है मुझे ये। तो दोस्तों ये था हमारा ह्यूमिडिफायर और सबसे बढ़िया बात मुझे इसके अंदर ये लगी है कि इसके अंदर अलग अलग जो है कलर चेंज होते हैं और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि घटिया क्वालिटी का लग रहा है। और एक बार बता चाहूँ कि इसको हमेशा आपको पावर से कनेक्ट करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है तो आपको चार्ज करना नहीं पड़ेगा, इसके अंदर हमेशा आपको पावर से कनेक्ट करना पड़ेगा। और एक और बताना चाहूँगा इसके अंदर आप कोई सा भी पानी डाल सकते हैं, फिल्टर वाटर या नलके का पानी, बस पानी के अंदर मिट्टी ना हो वाला पानी। इसके अलावा कोई सा पानी आपको उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जो लाइक कीजिएगा, खरीदना हो तो वीडियो में लिंक डाला है वहाँ से आप खरीद सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। Thank you.